नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज में। उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया मोड़ आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार फिर से आ रही है। इसी के साथ जो है आज बातचीत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उनके पदाधिकारी हैं, इनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है भैया? पहले से आपके चैनल के माध्यम से बताना सबको धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है माननीय परम पूज्य योगी महाराज जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चुनाव जीते हैं, बहुत बम्पर रोड से चुनाव जीतेंगे। जनता से क्या कहेंगे कि जो जनता ये योगी जी को फिर बुलाई है, क्या कहेंगे उस जनता को? रामकोला विधानसभा आपका चुकी पड़ता है, तो रामकोला विधानसभा से भी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, क्या कहेंगे? रामकोला की जनता की यही वो थी कि मतलब एक बार फिर भाजपा पे विश्वास लोग किए हैं, माननीय योगी और मोदी जी पे विश्वास किए हैं, तब जनता चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया, वोट किया है, प्रचंड बहुमत से हम लोग की इसीलिए सरकार बन रही है। बात करेंगे सर, यहीं पे जो है हमारे साथ मौजूद है मंडल के मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के, उनसे करें। क्या नाम है भैया आपका? मनीष सहनी। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में जब आई है, तो इसमें आप जनता से क्या कहेंगे, क्या कहेंगे जो जनता पुनः योगी जी को बुलाई? पहला नंबर जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाह रहे हैं, क्योंकि सभी लोग मिल के वोट किए और भारतीय जनता पार्टी को फिर से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, ठीक है, और जनता के बीच में हम लोग फिर जाएंगे। इलेक्शन जीतने के बाद हम लोग जनता का पूरा देखभाल करेंगे, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, सब देखभाल किया जाएगा। रामकोला विधानसभा में जब चुनाव हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जब वोट मांगने जा रहे थे, कैसी लहर दिख रही थी जनता में? जनता में बहुत ही अच्छी लहर दिख रही थी, बहुत खुशहाली थी और सभी लोग नरेंद्र मोदी और योगी जी के लिए वोट देने के लिए तैयार थे और कार्यकर्ता भी बहुत ज्यादा उत्सुक थे इलेक्शन के लिए। अभी आप जा रहे हैं क्या वहीं पे? जी हाँ जी हाँ, हम लोग बधाई देने जा रहे हैं अपने प्रत्याशी जी को। कौन प्रत्याशी आपके? विनय कुमार गौड़। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना समय दिया हमको। देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज, धन्यवाद।